तुम क्यों आई हो? बैठने का तो जाहिर सी बात है आप कहेंगी नहीं, इसीलिए मैं खुद बैठ जाती हूँ। मैं पूछ रही हूँ क्यों आई हो मेरे घर? जवाब आपके सामने है। अल्लाह के करम है कि उसने मुझे जिंदान से निकाला और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया, एक खूबसूरत इंसान के साथ जिसने मुझे दिल से कबूल किया और इज्जत दी। आपके बेटे की तरह नहीं, जिसने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की, अपने लिए स्टैंड लेने के बजाय मुंह छुपा के भाग गया। और जब पहली मोहब्बत से दिल भर गया तो वापस अपनी मामा की गोदी में आके चिपक गया। शट अप। तमीज से मैं अब आपकी बहू नहीं हूं, जिसे जब दिल चाहा सर पे बिठा लिया और जब दिल चाहा जमीन पे पटख दिया। बेगम नूर जहां साहिबा, कैसा लग रहा है आपको कि मैं अपनी रस्सी आपके हाथ से छुड़ा के आजाद सांस ले रही हूं? दिल में उबाल तो उठ रहे होंगे। क्योंकि किसी को खुश तो आप देख नहीं सकती, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, खुश तो मुझे आपको देखना पड़ेगा। ये मेरी शादी का कार्ड है, इसलिए नहीं दे रही कि आप मेरी जिंदगी की नई शुरुआत में शिरकत करें, सिर्फ इसलिए दिया है कि ये देख के अपनी हार रियलाइज करें। ये जो आपके बेटे हैं जिनका आपको बड़ा ज़ोम है, जिन्हें आप मर्द कहती हैं, मुझे नहीं लगता ये मर्द है। और हाँ, मुराद का सुना था आपको छोड़ गया है, जरा भी अफसोस नहीं। इतना बड़ा तमाशा करके गई है और तुम चुप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। सॉरी अम्मा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। हाँ तो जब ऐसे गुल खिलाओगे तो जवाब कहाँ दिया जाएगा तुमसे? सुंबल पर आया हुआ गुस्सा आपको मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं है, और वो जो कुछ कह के गई है बिल्कुल ठीक कहा है उसने, कुछ गलत नहीं। महा, इसको तो चुप कराओ। अम्मा छोटी बच्ची है। अच्छा, मैं इस वक्त किसी किस्म का इमोशनल लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ भाई।